सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसे पंकज मीणा जी ने आपको ग्रीट किया, आज का विषय थोड़ा टेक्निकल विषय है, इकोनॉमी को लेकर के विषय है। और जो अशोक गहलोत जी ने महंगाई राहत कैंप शुरू किए हैं, उसकी जो पोल खुली है उसका एक विषय है। देखिए, एक नारा इन्होंने दिया था, अगर गुड गवर्नेंस है। वैसे हम कहते आए हैं कि किसानों की ऋण माफी पे झूठ बोल करके, बेरोजगारी पे झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके ये सत्ता में आ गए, हम कहते आए हैं। और कुव्यवस्था कैसे फैली ये भी हम कहते हैं। लेकिन गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस में कैसे बदल गई, ये विषय आपके सामने मैं आज रखना बताऊंगा। द गुड गवर्नेंस द सो कॉल्ड गुड गवर्नेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए बैड गवर्नेंस। ये मेरा आज का विषय है। स्टेट जीडीपी डाउन है, इकोनॉमी की साइज कम हुई है, कर्जा बढ़ा और महंगाई के जो आज आंकड़े आए हैं वो आपने देखे होंगे कि नेशनल एवरेज से राजस्थान महंगाई के मामले में काफी आगे चला गया है, जबकि जाना चाहिए नीचे। जैसे मैं नेशनल एवरेज की बात करूं महंगाई की दर की, हम दोनों मिला के भी करें तो CPI और होलसेल प्राइस इंडेक्स दोनों मिला के, या और भी कई इंडेक्स आजकल, एक्सपोर्ट इंडेक्स, कई कंज्यूमर इंडेक्स, तो देखिए 5.0 नेशनल एवरेज। ये कह रहे हैं हमने महंगाई कम की, तो ये पोल खुल गई। अब राजस्थान में महंगाई की जो दर है वो 6.53, आप देखिए कितना बड़ा अंतर है। और ये ऐसे ही जनता को भ्रम फैला रहे हैं। तो इनका गुड गवर्नेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए बैड गवर्नेंस। जीडीपी ये किस रूप में मानते हैं, कैसे मानते हैं पता नहीं, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी पे या तो ध्यान नहीं दिया या इकोनॉमी इनके समझ में नहीं आई। जीडीपी के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है कंजम्पशन पार्ट जीडीपी का वेरी करता है देश में भी और राज्यों में भी, 67% से लेकर के 70% तक कंजम्पशन। तो ये कंजम्पशन पार्ट पे भी ठीक नहीं उतरे नेशनल एवरेज से, इनकी पटरी बैठी नहीं, इसलिए हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। फिर ये इन्वेस्टमेंट पार्ट आता है, वो करीब 28% से लेकर के 30% तक वेरी करता है। किसी राज्यों में 25% है, कुछ अच्छे राज्य हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है वो 30% को भी कई बार क्रॉस कर जाते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरह का, एक होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट जिसको हम सरकारी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एक होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसमें प्राइवेट लोग आते हैं और राज्य में इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने काफी ऐसे मीट तो किए, सबमिट भी किए, कुछ MOU भी साइन किए, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरे। और इनकी तो रिप्स स्कीम है, रिप्स RIPS करके एक स्कीम है जिसके तहत उन्होंने वादा किया था कि हम सब्सिडी देंगे आप इन्वेस्टमेंट करने आइए, हम इंसेंटिव देंगे आप इन्वेस्टमेंट करने आइए। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने आए भी, कुछ यहाँ राज्य के जो उद्योगपति थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया,
लेकिन उन्होंने सब्सिडी नहीं दी और सब्सिडी नहीं दे रहे, अभी भी मना कर रहे हैं। कई लोग कोर्ट में गए, तो इनका इकोनॉमी के हर सेक्टर में इनका जो गुड गवर्नेंस है वो बैड गवर्नेंस में कन्वर्ट हो। अब आप जीडीपी का तीसरा जो एस्पेक्ट है, मैंने एक कंजम्पशन कहा वो बड़ा एस्पेक्ट होता है, फिर एक इन्वेस्टमेंट का, दोनों इन्वेस्टमेंट के स्तर पे फैल हुए हैं, आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों में कोई तरक्की नहीं, राजस्थान डाउन गया। और एक होता है एक्सपोर्ट, उसमें हम इम्पोर्ट के फिगर को लेस करके और एक नेट एक्सपोर्ट का फिगर निकालते हैं, उसमें भी राजस्थान डाउन गया। तो तीन जीडीपी के पार्ट है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, इन तीनों में ही इनके जो पैरामीटर हैं डाउन गए और नेशनल पैरामीटर से ये मेल नहीं खाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, अदरवाइज इकोनॉमी यहाँ की बिगड़ जाए। और जब इकोनॉमी बिगड़ती है तो बेरोजगारी की दर भी बढ़ती है, आपने देखा होगा कि बेरोजगारी दर भी सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। और उसके बाद जो कुव्यवस्था फैली, पेपर लीक से लेकर के, बलात्कार से लेकर के, महिलाओं पर अत्याचार से लेकर के, दलितों पर अत्याचार से लेकर के, वो सब आंकड़े आपके सामने हैं, उसको मैं आज बयान नहीं कर रहा, लेकिन ये उसी का ही परिणाम होता है कि इकोनॉमी की साइज लगातार बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ी। और उधर हम बात करें केंद्र के स्तर पर, तो आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में, तो हम इकोनॉमी की साइज पे 10वें नंबर पे खड़े थे। यूपीए के पूरे कालखंड में 2004 से 14 में ये 10वें नंबर पे ही रहे, 2014 में भी हमें 10वां नंबर ही मिला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की होलिस्टिक अप्रोच, हर सेक्टर में काम करना, पॉजिटिव काम करना, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वातावरण बनाना, ईज ऑफ डूइंग करना, ईज ऑफ लिविंग करना, ये सारे जो काम हमने किए, कदम उठाए, इसके माध्यम से हम विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए और पछाड़ा हमने इंग्लैंड। और प्रधानमंत्री जी अब कई बार 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 कह रहे हैं कि इसी दशक में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जा रहे हैं, ये उन्होंने कई बार गारंटी भी दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वो इकोनॉमी के पार्ट पर पूरी तरह से फेल हुई है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वातावरण बनाने में फेल हुई है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, इवन घट रहा है। और महंगाई जिसको लेकर के इन्होंने बड़े बड़े कैंप लगाए, महंगाई राहत कैंप, उनकी भी पोल खुल गई। आज का जो डेटा आया है कि नेशनल एवरेज पे हम खड़े हैं 5.02 पे और ये खड़े हैं राजस्थान 6.53। तो मुझे आज इकोनॉमी पे बात करनी थी। मैं अब आपके प्रश्न जो होंगे इस संबंध में मैं लेने के लिए, जितना मेरी क्षमता होगी मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा। आपने इकोनॉमी में प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं क्या? उसमें एकदम स्पष्ट हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है और आपके ट्वीट से, हमारा जो ट्वीट है उसे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हाँ क्या कह रहे हैं? झूठे आंकड़े हैं। आपके पास डेटा है क्या? मैं तो चैलेंज करने वाला हूँ। कंजम्पशन कितना है और इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्सपोर्ट कितना, जीडीपी तो वही होती है ना, हम उसको स्टेट जीडीपी भी उसी में ही गिनते हैं। तीन ही कंपोनेंट है, तीनों में डाउन है। महेश भाई सर नमस्कार। देखिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पे आए, हमारी इकोनॉमी की साइज बढ़ी, हर सेक्टर में हमारा इन्वेस्टमेंट आया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। और आप कैसे कह रहे हो जी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, फिर आपका सोचना अलग हो सकता है। सेक्टर कोई ऐसा छूटा नहीं है,
जहां इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना नहीं है, तभी तो फिफ्थ नंबर की इकोनॉमी बनी है, क्या नहीं तो कैसे बन जाती थी? किसके लिए? देखिए पूरे, तभी वही तो बात कर रहा हूं मैं, देखिए वही बात कर रहा हूं। एक तो होती है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, दोनों नियंत्रण में रखा हमने जी। और कैसा है रूस और यूक्रेन का युद्ध का वातावरण अभी भी देखिए, 4-5 दिनों से क्या अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बनी, इन सबके बावजूद महंगाई नियंत्रण में रखने में मोदी सरकार सफल हुई। GST एक बहुत ही सुधारात्मक कदम था, है, और देश की जनता ने तो इसको अपना लिया। अदरवाइज GST का कलेक्शन इतना हो जाता क्या? मैं तो वित्त मंत्रालय में था ना, मैंने देखा है कि कभी 50-60 लाख और उसके आगे जाता ही नहीं था, और अब चला गया हमारा 1.5 लाख करोड़ के चला गया, उसको क्रॉस किया। और कर भी करों में भी सर्वे करना आई है, लोगों को ऑनलाइन सारी सुविधाएं मिली है, फेसलेस असेसमेंट हुआ है, जनता 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 काम परेशान है जी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। भवानी जी, मैं एक बार साहब इनको पूछ सकूं, क्लियर करते तो किसकी कर रहे हो? एक आज व्यापारी है घर बैठा GST का रिटर्न भर रहा है, सुविधा नहीं है उसको क्या? उसको क्या अरे ऐसे नहीं ऐसा नहीं कर रहे हो, जैसे आप स्लैब की बात, आप दूसरी तरह में चले गए, आप स्लैब की बात कर, तो आप अपना क्वेश्चन बदलिए स्लैब। भवानी जी, बाकी GST सुधार है और देश की जनता ने अपना लिया क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो कोई एक फोटो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि दिनेश खोडलिया जी अशोक गहलोत जी के साथ बैठे हैं, तो खास तो थे ही ना, पर बाबूलाल जी कटारा ने भी आरोप लगाए हैं, बाबूलाल जी कटारा RBSE के मेंबर रहे और भ्रष्टाचार में पकड़े गए, उन्होंने भी आरोप लगाया, तो आरोप सिद्ध हो रहे हैं ऐसा लग रहा है ना। जांच करनी चाहिए, तो उसमें क्या दिक्कत है, सरकार को बताना चाहिए, जांच करनी चाहिए, काले धन पे उन्होंने एक क्वेश्चन खड़ा किया, जांच करनी चाहिए। उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर सरकार को जांच करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, करनी चाहिए निदान सरकार को, मैं यही तो कह रहा हूँ, जांच करनी चाहिए, क्यों मना कर दिया, नहीं करना चाहिए ना, काय का डर है सरकार को, राज्य सरकार को। देखिए मैं ही कह रहा हूँ, जो मेरा प्रश्न, आपका जो प्रश्न है कि भी किरोड़ी लाल जी ने एक विषय उठाया, उसकी राज्य सरकार को पहले जांच करनी चाहिए ना, घटना कहाँ घटी, राजस्थान में जी। विष्णु जी, महंगाई से तो है, नहीं आप देखिए आंकड़े बोल रहे हैं जी, मैंने तो बताया ना, आंकड़े अभी नहीं बोल रहे, GDP आपके लंबे समय से चली आ रही है, बढ़ रही है लगातार, पर महंगाई तो उतनी उतनी है। नहीं, महंगाई को हमने नियंत्रण में रखा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, और ये नियंत्रण में नहीं कर पाए। जसवंत जी, ये बाल मुकुट आचार्य अशोक धाम के माता
देखिए मैं ये आपने बहुत सेंसिटिव मुद्दा उठाया है, जो संवैधानिक पदों पे बैठे लोग हैं, चाहे कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल जी हों, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने खड़गे जी हों, चाहे उनके लड़के मंत्री हों, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, और उनकी पार्टी के इरादा वो भी लोकसभा के सदस्य हैं। संविधान ये कहता है कि हम सभी धर्मों का आदर करेंगे, शपथ लेते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे बैठ करके और खाली एक धर्म की आलोचना करते हैं और कांग्रेस उसका साथ देती है, तो मुझे लगता है कि संविधान के अनुरूप कांग्रेस काम नहीं कर रही है। मेरा इस मुद्दा इतना ही कहना है। मेरा सवाल ये था कि बाल मुकदाचार्य जो ठीक है उनका उनका आंदोलन ठीक है, और देखिए मैंने क्या कहा कि जो संवैधानिक पद पे बैठा, इसमें अशोक गहलोत जी भी जुड़े हुए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जुड़े हुए, जब ये हम शपथ लेते हैं कि हम सभी धर्मों का आदर करेंगे, तो हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। किसी धर्म के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मनीष जी लास्ट क्वेश्चन। हाँ पेपर लीक हो गया, अब डेटा भी लीक हो गया। कौन सा डेटा है जी, आप बताएंगे हमें? ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी सेक्टर उठाना, कोई भी सेक्टर उठाना, हर सेक्टर में तरक्की हुई है। मैं ये नहीं कहता, कोई भी सेक्टर उठा लेना आप, कोई भी सेक्टर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी, हम हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इतना बेहतर किया है, सारी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में बेहतर किया है। सारे देश मान रहे हैं कि इंडिया का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर है,